हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये आप अपने बुक में देख लेना चैप्टर वाइज, हमने और भी वीडियो बना रखी है तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। व्हेन यू गो टू मार्केट विद योर मदर, आप अपने मदर के साथ अगर आप मार्केट में जाते हो वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो वेंडर्स होते हैं ना वेजिटेबल्स वगैरह जो बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना सारा सामान अलग अलग रखते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि वेजिटेबल में आप देखोगे वो पोटैटो अलग रखते हैं, टोमेटो अलग रखते हैं, ब्रिंजल अलग रखेंगे, मतलब हर एक वेजिटेबल्स को वो अलग अलग सेपरेट जगह पे रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप अपने घरों में भी देखोगे तो जैसे कि कपड़े हैं, क्लॉथ है, शूज़ है, बुक्स है, ये भी क्या होते हैं, सबकी अलग अलग सेपरेट जगह होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है, ठीक है। ऐसे अगर हम अपने डेली लाइफ में सारी चीज़ों को देखें कि हमारे जितने सारे सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे सेपरेट करके रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको वहाँ से ले लें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे बात करते हैं इस चैप्टर में, जो मेनली यही है आपका जो चैप्टर का नेम है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उनको सबको अलग अलग सेपरेट करके रखना से हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई अनाज आता है, जैसे राइस आता है, राइस में क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, तो उसको अलग निकालना पड़ता है ना। वेजिटेबल के साथ काफ़ी गंदगियाँ अगर आ जाती हैं तो उसको भी अलग करना होता है ना। ये देखो वेजिटेबल वेंडर की जो है पिक दे रखी है और ऐसे देखो सारी वेजिटेबल्स वो अलग अलग करके रखता है, ठीक है। तो अब ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है राइस अगर आया था और उस राइस में से हमने जो स्टोन है उसको वो निकालना था, तो इसी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। हमने कोई, हमारे पास कोई चीज़ होती है उसमें से कुछ पार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यही बोले क्यों ज़रूरत है उस चीज़ की, तो अगर हम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, राइस में हम स्टोन को रहने दें और हम राइस को वैसे ही पकाने, तो हम क्या करेंगे, जब हम खाएंगे तो हमारे मुंह में आएगा ना, तो हमारे लिए तो बेकार है। और वो क्या करता है, वो सब्सटेंस को इम्प्योर करता है, मतलब सब्सटेंस को जो भी हमारी चीज़ होती है उसको ख़राब करता है, इसलिए उसे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उन चीज़ों को अलग करना। सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम द राइस ग्रेन एंड पल्सेस, इसी तरीके से आप वाटर यू ड्रिंक कम फ्रॉम द रिवर एंड लेक बट इट कंटेन इम्प्योरिटीज जर्म्स कुड बी द सिक, अगर आप नदियों से तालाबों से पानी लेके आओगे ऐसे पी लोगे तो क्या हो जाता है, आप बीमार हो सकते हैं क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले प्यूरीफाई करते हैं तभी पीते हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से डेजरेबल कंपोनेंट्स, जैसे कुछ चीज़ें और लेते हैं डेजरेबल में जो हमारी ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं चर्निंग कर्ड, लस्सी, बटर। देखो लस्सी जो होती है, दही होती है, ठीक है, मक्खन निकालने का आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा या घर पे मम्मा से आपने पूछना, उसको क्या करते हैं, वो गोल 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 घुमा के उसमें से क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो दूध भी हमारे लिए यूज़फुल है, उसके अंदर की मलाई मक्खन भी हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम एक यूज़फुल सब्सटेंस में से एक यूज़फुल सब्सटेंस को भी अलग करें। इस तरीके से पेट्रोल जो ऑयल नीचे से आता है ज़मीन के नीचे से बच्चे, उससे बहुत सारी चीज़ें होती है, डीजल होती है, कैरोसिन होती है, वैक्स होती है, तो इन सब चीजों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन देखते हैं कि अब हमने ये देखा कि सेपरेट करने की कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको सेपरेट करके फेंकना है, और कई चीज़ों की हमें सेपरेट करके उसको यूज़ करना है। तो सेपरेशन के बहुत सारे मेथड हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड एनी रेशो, अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी रेशो में मिक्स करते हैं, द सब्सटेंस इन ए मिक्सचर आर द सेपरेट ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज देयर पार्टिकल साइज, एबिलिटी टू गेट डिजॉल्व एक्सेट्रा। मतलब अब वो किस पे डिपेंड करता है, जब आप मिक्स कर रहे हो कि वो पार्टिकल्स उसके साथ कैसे मिल रहा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कैसे हो गया,
जैसे कि स्टोन और राइस, हमने उसमें क्या किया, स्टोन में राइस अगर मिला दिया या राइस में स्टोन मिला दिया, तो फिजिकली हम हाथ से उसको निकाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है। या हम कोई चीज़ मिलाएंगे, अब अगर पानी में अगर कोई चीज़ डिसॉल्व हो रही है तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो जो डिसॉल्व हो चुकी है उसको निकालना अलग हो जाएगा। अगर पानी में आपने एक पत्ती डाल दी और उसको निकालोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगी ना, ठीक है। अगर वाटर में चाय पत्ती है, अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय पत्ती को भी आप क्या करोगे, स्ट्रेनर से छानोगे और अलग कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों को अलग करना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। सिंपल सा, जैसे कि आप ले लो एक शीट पेपर ले लो, उस पर आप वीट ग्रेन डाल लो, उसमें आपके स्टोन होते हैं, हस्क होते हैं, मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटी वाली चीज़ें होती है, तो आपने क्या करना है, वो उसको जो पेपर है उसके ऊपर सारी डाल देना है, और उसमें से जो अगर आप जो है आपको जो ग्रेन दिया हुआ है वीट ग्रेन, अगर वो निकालना शुरू करोगे तो वो तो ज़्यादा है, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें से इम्प्योरिटी हम निकालेंगे जो स्टोन और हस्क गए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हाथ से निकालेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, आपकी मम्मा भी घर पर क्या करते होंगे, इस तरीके से आपको जो है कोई भी चीज़ निकालते हुए दिखते होंगे, जब राइस वगैरह बनाते होंगे कि, तो क्या करते हैं, हाथ से उस चीज़ों को, जो भी डर्ट रहती है, जो इम्प्योरिटी रहती है, उसको हाथ से उठाते हैं और निकाल के अलग कर देते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात, मेन पॉइंट आप समझो अच्छे से, ठीक है। आगे आ जाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, हाउ यू एवर सीन बंडल ऑफ द वीट और पैडी, आपने पैडी और वीट के बंडल स्टॉक को देखा होगा ना, ऐसे बड़े बड़े लंबे होते हैं, उसके अंदर जो है ऐसे ऐसे वीट और वो ग्रेन जो है लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो उसको आपने देखा होगा, तो दीज स्टॉक आर देन ड्राइड, जब वो स्टॉक जो ये स्टिक्स ही होती है ये जब सूख जाती है, तो जस्ट थिंक हाउ डज द फार्मर सेपरेट, तो वो फार्मर उसको कैसे सेपरेट करते हैं वो बंडल से, तो जो फार्मर उस बंडल से उस ग्रेन को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये बंडल है, इसमें आपका ग्रेन लगा हुआ है ऐसे यहाँ पर, तो इस बंडल में से जो ग्रेन सेपरेट होता है ना, वो कौन सी प्रोसेस से सेपरेट होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। मतलब थ्रेसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, स्टॉक मतलब ये स्टिक जो थी उसमें से ग्रेन को अलग करना, हम क्या कहलाता है, थ्रेसिंग, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे, अब थ्रेसिंग जो है कई तरीके से होती है, मैनुअल, अब तो नहीं होता है, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, उसको हाथों से पीछे की तरफ उठाते थे और पत्थर पे फेंकते थे, जिससे वो क्या करते थे, दाने उसमें से निकल जाते थे। ये देखो आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो ना, इस तरीके से, इसको कहते हैं मैनुअल थ्रेसिंग, ठीक है। आगे उसके बाद उन एनिमल से थ्रेसिंग शुरू हो गई। देखो ऐसे यहाँ पे सारे बंडल को रख देते और उसको एनिमल को उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे उसमें से क्या होता है, ग्रेन वगैरह अलग हो जाते हैं। अब तो थ्रेसिंग किससे होने लगी है, मशीनों से होने लगी है। तो यहाँ पे मशीन में इस तरीके से डालते हैं स्टॉक को और उसमें से ग्रेन क्या होते हैं, जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद तो और भी अच्छी चीज़ आ गई, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन मशीन। आप देखना कंबाइन, ये इस तरीके से होती है कि आप अगर फील्ड वगैरह में, खेतों में जाओ, तो ये क्या करती है, ये इसको काटती भी है, हार्वेस्ट भी करती है और साथ में इसके ग्रेन को भी अलग कर देती है, इसलिए इसको कंबाइन मशीन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो और भी अच्छी प्रोसेस हो गई है कि हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है बच्चे, जब हमने ग्रेन को, मतलब ये जो हमारे ग्रेन थे इनको हमने जो है थ्रेसिंग कर ली, तो ग्रेन के साथ बहुत सारे हस्क, मतलब जो छिलके होते हैं ना उसके छोटे छोटे से, वो हस्क उसमें के साथ जो है छिलके लगे होते हैं, तो उनको अलग करना क्या कहलाता है, विनोइंग। अब विनोइंग को अलग करने के लिए, मतलब उसको जो मैं छिलके बता रही हूँ ना, उसको चाफ बोलते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करना। तो अब क्या किया जाता है उसके लिए, देखो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है कि टेक अ मिक्सचर ऑफ द हस्क और वीट, हस्क और वीट का थोड़ा सा मिक्सचर ले लो और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको अगर तेज़ हवा में ब्लो करोगे ना, तो एक ऊंची, मतलब किसी कार्डबोर्ड पे ले लो और उसको ऊपर रख लो, यहाँ पे पिक्चर दिया होगा, ये देखो इस तरीके से कार्ड किसी पेपर पे लेके, सॉरी कार्डबोर्ड पे लेके, उसके ऊपर वो ले लो ग्रेन और उसको बहुत ऊंचाई से धीरे धीरे गिरा, और पीछे से अगर हवा आए तो क्या होता है, तो जो ग्रेन होता है ना वो आपका यहीं गिर जाएगा, क्योंकि वो भारी होता है, और जो हस्क होता है वो लाइट होता है, वो हवा की वजह से क्या होगा, दूर जाके गिर जाएगा। इस तरीके से हस्क का बंडल यहाँ बन जाएगा, ग्रेन का बंडल यहाँ बन जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, अभी हम चैप्टर समझ रहे हैं।
अगला है हमारा मेथड सीविंग। सीविंग क्या होता है, ये तो बहुत इजी, आपने घर में मम्मी को देखा होगा ना आटा छानते हुए, ठीक है। तो आटा कैसे छानते हैं, सीव से ही तो छानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चाय को छानते हैं तो वो भी क्या होता है, सीविंग ही होता है ना। तो इस तरीके से ये सीविंग है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी मेथड है ना, तो मतलब ये तो नॉर्मली हमने घर में देखा हुआ है, इसलिए सीविंग को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट है, अब सीविंग के फ़ायदे क्या हैं। सीविंग से ये फ़ायदा है कि ये सबसे इजी मेथड होता है, बड़े आराम से इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो कंपोनेंट होते हैं अगर वो सेम साइज़ को हैं तो सीविंग नहीं हो पाएगी, जैसे चौक का पाउडर और आटा फ्लोर, ठीक है। अगर हम उन दोनों को मिला देंगे और उसके बाद हम छान के अगर उनको अलग करेंगे तो हम अलग नहीं कर पाएंगे ना, तो सीविंग से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब जिससे हम कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं है। आपने कई बार कंस्ट्रक्शन जहाँ होती है वहाँ देखा होगा, तो इस तरीके से वहाँ पे सीव लगी होती है और ये क्या करते हैं, बड़ी मिट्टियों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो इस तरीके से छान के निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे सेपरेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन को आप डायग्राम से समझोगे तो अच्छे से पता लगेगा। हमने पानी लेना है, वाटर लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी सैंड डाल देनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आपने उसको ऐसे कैसे ही रख देना है, ठीक है। जब ऐसे कैसे रख दोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो सारी सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब जब नीचे सेटल डाउन होगी तो आपने क्या करना है, इसको पानी को उठाना है और धीरे 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 ये ऊपर वाले हिस्से के पानी को क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब डेकेंटेशन, इस प्रोसेस में देखो आप, डेकेंटेशन आपकी 5.11 का जो ये बी पार्ट है ये डेकेंटेशन है। इसमें क्या हो रहा है, इस सेडिमेंटेशन तो ये हो गया आपका कि आपने क्या किया, इसको रखा और इसमें जो है ये नीचे बैठ गया, ये सेडिमेंटेशन है, ठीक है। अब जब इसको हमने अलग कर लिया उसे हम क्या बोलते हैं, डेकेंटेशन, ठीक है। आई होप समझ आ गया ये चीज़ आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन, मैंने आपको बता दिया है कि एक सेडिमेंटेशन हम उस प्रोसेस में कर सकते हैं जिसमें एक सॉल्यूशन, मतलब जैसे हमने पानी लिया था और पानी के अंदर हमने सैंड डाला था, तो रेत डाला था, तो रेत तो उसमें डिसॉल्व तो नहीं हो रही थी ना, घुल नहीं रही थी ना, जो चीज़ घुलती नहीं है उस चीज़ को हम सेडिमेंटेशन या डेकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। अगर वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी तो हम उसको नहीं सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते, या वो चीज़ भारी ना हो और वो नीचे सेटल डाउन ना हो, ठीक है। अगर हमने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जो ऊपर ऊपर तैरने लग जा रहा है तो वो नीचे बैठेगा ही नहीं, है ना, नीचे सेटल डाउन नहीं होगा तो हम उसको अलग नहीं कर सक पाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, मतलब हम छान के जब दो इनसॉल्युबल सॉलिड आपस में मिल गए हैं और वो सेडिमेंटेशन भी नहीं हो रहे, नीचे भी नहीं बैठ रहे हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, छानना, जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर एक फिल्टर, ये देखो फनल लगाया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें एक पेपर लगा हुआ है जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बीकर में क्या लिया है, बीकर में कुछ सैंड भी रखा है, मड भी रखा है, मिट्टी वगैरह डाल रखी है, पानी भी है, तो सैंड तो नीचे बैठ जाएगी लेकिन मड नहीं बैठती है, वो तो रहती ही रहती है। तो उसको क्या कर रहे हैं, हम एक स्टायरर से, मतलब एक ऐसे एक स्टिक सी है उसकी मदद से हम उसको धीरे धीरे इस फनल में डालेंगे और यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, वो फ़िल्टर पेपर से छन के यहाँ पे नीचे वो क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे यही दिया हुआ है फिल्ट्रेशन के बारे में, जो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है सम अदर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल जूस है, फिल्ट्रेशन से क्या होते हैं उसको, जैसे कि फ्रूट वगैरह जूस वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ सीड्स रह जाते हैं, कुछ पल्प रह जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके, फ़िल्टर पेपर से या फ़िल्टर करके हम उसको जो है अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेमन वगैरह बनाते हैं या पनीर बनाते हैं तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर की सहायता से इनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, दो चीज़ें, सॉलिड एंड लिक्विड, दो चीज़ें अगर आपस में मिक्स हो गई हैं तो कैसे निकालना है।
अब यहाँ तो फिल्टर में तो हमें एक सॉलिड होना था, एक लिक्विड होना था, लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड और लिक्विड लिया, बट वो दोनों एक दूसरे में घुल गई हैं, मिल गई हैं, सॉल्यूबल हैं, तो कैसे अलग करेंगे? तब तो हम छान के अलग ही नहीं कर सकते ना। तो देखो, अगर एक गिलास पानी में आपने 3 चम्मच नमक डाल दिया, तो वो नमक को हम छान के अलग कर पाएंगे जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसको अलग करने के मेथड को इवेपोरेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इंटू इट्स वेपर, मतलब जब ऐसी प्रोसेस जब लिक्विड को हम वेपर के थ्रू अलग करते हैं, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। कैसे? अब इसको मैं समझाती हूँ तो आपको समझ आएगा। ये सारी यहाँ पर वही एक्टिविटी दे रखी है जो मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाती हूँ। एक ग्लास लिया आपने, इसमें 1 या 2 टेबल स्पून आपने सॉल्ट डाला और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे एक डिश में, चाइना डिश में रखना है, और नहीं रखना तो आप धूप में रख दो, अच्छी कड़क धूप में, ठीक है? तो ये तो बुक वाली आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और इसको हीट किया हमने। अब हीट करने के बाद बेटा क्या होगा, ये सारा पानी तो इसमें से जो है वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और नीचे इसमें जो है हमारा जो सॉल्ट था जो हमने मिलाया था, वो सॉल्ट जो है बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। वाटर क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, इसलिए हमें उसे इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से समुद्रों में नमक भी बनाया जाता है, जो समुद्रों से हम सॉल्ट लेते हैं ना, सी वाटर से। देखो ऐसे ना, जहाँ पे बड़े बड़े सी होते हैं वहाँ पे ऐसे बाउंड्री सी बना दी जाती है सारी, तो जब सी वाटर आता है बहुत तेज़ी से और इसके अंदर भर जाता है, वो वाटर भर जाता है, अब जो इसकी लहरें होती हैं समुद्र की, वो क्या हो जाती है, पीछे चली जाती हैं। तो क्या होता है, जब ऊपर से जब बहुत सनलाइट आती है, तो उस सनलाइट से क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के ऊपर निकल जाता है, और फिर इसके अंदर क्या बचा रह जाता है, सॉल्ट बचा रह जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है इवेपोरेशन प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है? अगला हमारा आ जाता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, देखो हमने अगर यहाँ पर वाटर लिया है, उसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं, घर में आप करके देखना, एक पतीले में पानी रख देना गैस पे, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना, तो यहाँ तो ये वेपर बन रहा है, लेकिन इस ढक्कन पे आके जब वो ठंडा हो रहा है ना, फिर से पानी बन जा रहा है, ठीक है? समझ आया, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके वापस से वाटर बन जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिया है कि जब वाटर वेपर फिर से लिक्विड बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो उसकी एग्जांपल हमारी यहाँ पे ये दे रखी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरीके से ये केटली ले लो, इसके अंदर चाय रखी या जो भी है पानी ले लो, उसको हीट करो, हीट करने के बाद यहाँ से वाटर निकल रहा है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर आइस रख दिया ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए, तो जब ये वेपर यहाँ जाएगा और ये आइस की वजह से ठंडा होगा, तो ये पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, पानी की बूंदें बन जाएगा, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है? आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया, वो भी हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, मतलब सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें हम और चीज़ें नहीं मिला सकते। आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने जो है 10 स्पून क्या कर दिया, 10 स्पून सॉल्ट डाला, ठीक है, वो घुल गया, लेकिन जब 11-12 स्पून आपने डाला तो वो नहीं डिसॉल्व हो रहा है। समझ आ गई मेरी बात, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स इसके अंदर जो पानी लिया ये सॉल्यूशन है, और जो हम इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट। समझ आ गई बात, सॉल्ट क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट होता है वो, ठीक है? अब वो सॉल्वेंट, देखो फिर से मैं समझाती हूँ, ये वैसे आपके चैप्टर में दिया नहीं है पर फिर भी बताती हूँ। आपने यहाँ पर क्या लेना है, वाटर, ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसके अंदर घुलना है, ठीक है, जिसके अंदर घुलना है वो सॉल्वेंट, और जिसको घुलना है वो सॉल्यूट। अब जब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने के बाद जब इसके अंदर सारा डिसॉल्व हो गया, तो इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। समझ आ गई बात, ठीक है? तो यहाँ पर यही दिया है, सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है?
तो ये चैप्टर आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सिक्स क्लास की वीडियो जो है वो जाती है ज़्यादातर किड्स उसमें चली जाती है, तो जिसमें कमेंट ऑफ हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट अगर नहीं हुआ तो लाइक करके भी बता देना कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए सिक्स क्लास की वीडियोज़ को आप पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आगे जल्दी से जल्दी आपके लिए सारी वीडियोज़ बना दूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।